वेलकम, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ पाइथन की क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो हमने वीडियोस बनाए हैं और आपके लिए भेज रहा हूँ, निरंतर भेज रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियोस, वो आपको समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए काफ़ी जानकारी प्रद होंगे। तो उसी वीडियोज़ की श्रृंखला में, उसी क्रम में आज आपको मैं एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है आपका स्ट्रिंग ऑपरेशंस ऑन पाइथन। पाइथन में कौन कौन से वो ऑपरेशन हैं जो आपके स्ट्रिंग पर होते हैं। वॉट आर दीज मेजर ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग में कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो होते हैं, तो आइए इन्हीं के वीडियोस अब आपके लिए, इन्हीं के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता हूँ। तो क्या क्या मेन ऑपरेशन है, तो मेन ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स आर, आपके स्ट्रिंग पर प्रमुख ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला ऑपरेशन जो आपका स्ट्रिंग में होगा, ये सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग को क्रिएट करने के पश्चात होंगे। और कैसे स्ट्रिंग को आप क्रिएट करते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया है विद्यार्थी, कौन कौन से वो ऑपरेशंस हैं जो आपको मिलेंगे, कैसे आप क्रिएट करेंगे, कौन कौन से कॉमास या डेलिमीटर्स हैं, तो सिंगल कोट्स है, डबल है, ट्रिपल है, सब बता दिया है कैसे आप बनाते हैं स्ट्रिंग को। तो बनाने के पश्चात जो ऑपरेशंस हो सकते हैं उसमें सबसे पहला ऑपरेशन है स्ट्रिंग को कंबाइन करने का। तो स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन एक ऑपरेशन है, बहुत ही पॉपुलर ऑपरेशन। दूसरा आपका ऑपरेशन है स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का, बच्चों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। सेकंड ऑपरेशन जो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है यानी कंबाइन करता है, या कहूं तो मैं जोड़ता है, तीसरा ऑपरेशन स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। आपका थर्ड ऑपरेशन दैट वी आर डिस्कसिंग, जिसको कि हम लोग देखेंगे या जानेंगे या होता है, वो है ट्रैवर्सल। कौन सा ऑपरेशन, ट्रैवर्सल ऑपरेशन, अभी डिस्कस करता हूं मैं ट्रैवर्सल ऑपरेशन, थोड़ा थोड़ा तो सबके बारे में अवश्य बताऊंगा। और तुम्हारा चौथा है बच्चों स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। ये चार प्रमुख ऑपरेशन जो हम स्ट्रिंग पर कर सकते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट। बनाने के बाद की बात मैं कर रहा हूं कि अगर आपने स्ट्रिंग बनाना सीख लिया है तो आप कौन कौन से प्रमुख ऑपरेशन है जो स्ट्रिंग पे कर सकते हैं, तो सबसे पहला है स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन। देखिए स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपके स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन। इस ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग कंबाइन करते हैं किसको, दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को। वी आर गोइंग टू कंबाइन टू डिफरेंट स्ट्रिंग, कैसे, तो देखिए बहुत सीधा सा तरीका है। अगर मैंने लिख दिया प्रिंट और डबल कोट्स में लिखा इंडिया प्लस इज आवर कंट्री, देखिए यहां देखिएगा इंडिया आपकी एक स्ट्रिंग है, इज आवर कंट्री हमारी क्या है, दूसरी स्ट्रिंग है। और आपको इस दोनों को जोड़ना है, तो कौन सा ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर, जिसकी मदद से ये कंबाइन होगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट या फंक्शन जब इन दोनों को जोड़ेगा प्लस ऑपरेटर की मदद से, तो जो आपको आउटपुट देगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका इंडिया, दोनों स्ट्रिंग मिल जाएगी, इज
आवर कंट्री। देखिए कितने आसानी से आप स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं, या स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, या स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, जो कह लीजिए। नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन आपके लिए है, वो है स्ट्रिंग रेपिटेशन। ये स्ट्रिंग रेपिटेशन क्या होता है? रिपीट करना जिसको कहा जाता है। व्हाट इज दिस स्ट्रिंग रेपिटेशन? रिपीट करना माने दोहराना। और ये रेपिटेशन वाला जो वर्क है वो किस ऑपरेटर से होगा? जिसको आप नॉर्मली जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, कौन सा? मल्टीप्लाई। तो आइए देखिए कैसे होगा। आप सीधे यूज कीजिए प्रिंट स्टेटमेंट को। प्रिंट आपने लिखा इंडिया और मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 3 से। या देखिए आप क्या कह रहे हैं पाइथन को कि इस स्ट्रिंग इंडिया को मल्टीप्लाई करो 3। तो यहां मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई से नहीं है, रिपीट से है। तो क्या आंसर आएगा? आपका आंसर बनेगा इंडिया, बिना स्पेस के 3 बार इंडिया एक साथ आपको क्या कर देगा, कुछ इस टाइप से। देख लीजिए, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। 3 टाइम्स आपके लिए क्या प्रिंट हो गया? इंडिया, इंडिया और इंडिया। तो उम्मीद करता हूं आपको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, कॉम्बिनेशन या रेपिटेशन क्लियर हो गया होगा। अगला ऑपरेशन तुम्हारे लिए आपका क्या है? स्ट्रिंग ट्रैवर्सल। ये ट्रैवर्सल क्या होता है भाई? स्ट्रिंग ट्रैवर्सल में क्या होता है? तो देखिए, इट इज द प्रोसेस टू विजिट द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। ये वो प्रोसेस है जिसमें आप सीक्वेंस के एलिमेंट पे विजिट करते हैं, टू विजिट द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। और कैसे विजिट करते हैं, विजिट द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस? ट्रैवर्सल ऑपरेशन को दिखाता हूं मैं यहीं पे। देखिए नीचे आपके लिए लिख रहा हूं कोड, ट्रैवर्सल। कैसे आप बनाएंगे ट्रैवर्सल ऑपरेशन को, स्ट्रिंग का ट्रैवर्सल? तो मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग बनाई, str इज इक्वल टू इंडिया, और ट्रैवर्स करना है तो आपने एक लूप चलाया, फॉर आई इन str मतलब वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू है। देखिएगा प्रिंट क्या कर दिया बच्चों, आई को। यहां पर देखो, ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ऑपरेशन कौन सा है? स्ट्रिंग के ट्रैवर्सल का ऑपरेशन है बच्चों, जिसमें कि आपका एक स्ट्रिंग बनी str और उसमें क्या वैल्यू है? इंडिया। अब फॉर आई इन str, तो आई क्या होगा? आई इन str की हर पोजीशन पर 0, 1, 2, 3, 4 हर पोजीशन पर जाएगा, और कितनी बार? एक बार, ओनली वंस। और जाएगा और उसके बाद जाने के बाद आप उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद जो ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं बिना किसी संकोच के, बिना किसी समस्या के। तो यहां पर हम आई हमारा हर बार जा रहा है एक एक पोजीशन पर, और हम उस पोजीशन की वैल्यू को प्रिंट कराते जा रहे हैं। तो आपको जो आउटपुट आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, आई एन डी आई और ए। ये देखिए, ये कितने कमाल का ऑपरेशन है जिसको कहा जाता है ट्रैवर्सल ऑपरेशन। तो देखिए, स्ट्रिंग ट्रैवर्सल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो कि पाइथन में या अदर लैंग्वेजेस में भी हो सकता है। ट्रैवर्सल इज द प्रोसेस टू विजिट और मूविंग द एलिमेंट्स एग्जैक्टली वंस, एक बार, केवल एक बार। तो होपफुली आपको ट्रैवर्सल क्या है बच्चों समझ में आ गया होगा। और इसके बाद एक और ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग।
ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है भाई? स्लाइसिंग इज द प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट और स्लाइस ऑफ आवर स्ट्रिंग। आप कोई स्ट्रिंग है उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को क्या करना चाहते हैं? बाहर निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये कार्य आप किसकी मदद से कर सकते हैं? स्लाइसिंग की मदद से कर सकते हैं। कैसे होता है भाई? तो देखिए, स्लाइस ऑपरेशन कैसे किया जाएगा? स्लाइस ऑपरेशन करने के लिए आपको बड़े आसानी से, देखिए, आपको स्ट्रिंग का नाम देना होगा। ये देख लीजिए, स्लाइस ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है ये? स्लाइस ऑपरेटर। यहां पर आपको स्टार्ट को बताना होगा, स्टॉप को बताना होगा और स्टेप को बताना होगा। ये देखिए, स्टार्ट क्या होगा? इंडेक्स होगा। स्टॉप आपका क्या होगा बच्चों? ये भी इंडेक्स होगा। और स्टेप क्या होगा? ये वैल्यू होगी, जितने आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। याद रखिएगा, जो स्टॉप इंडेक्स है ये एक्सक्लूडेड होता है। एक्सक्लूडेड का मतलब ये रिजल्ट में नहीं आता। यानी अगर आपने स्टॉप वैल्यू दी 5, तो 5 नहीं, ये कहां तक आएगा? 4 तक आएगा। और आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग का दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपने लिखा STR प्रयाग राज। देखिएगा, और आप STR से वन पोजीशन से पांचवी पोजीशन तक की वैल्यू को बाहर निकालना चाहते हैं। सपोज ऐसा आप चाहते हैं, तो बताइए वन पोजीशन पे कौन है? अगर आप देखेंगे इसको, इस स्ट्रिंग को देखेंगे, PRAYAGRAJ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 8, ये इंडेक्स हो गया बच्चों आपका। दिस इज द इंडेक्स। अब देखिए, मैंने क्या बोला? वनथ पोजीशन से, यानी यहां से पांच पोजीशन पे क्या है? 5 से कम तक चलेगा ना, तो कहां तक आएगा? 4 तक, यानी 1 2 3 4। तो आंसर क्या देगा? RAYA राया। यही ऑपरेशन कहलाता है बच्चों आपका, क्या कहलाता है? स्ट्रिंग का स्लाइसिंग कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटी सी संक्षिप्त जानकारी जो कि आपको मैंने आज के वीडियो में दी, कि स्ट्रिंग पे कौन कौन से प्रमुख ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ये आपको निश्चित तौर पे थोड़ी समझ में जरूर आई होगी। आपको बच्चों फ़ायदा मिला होगा और आपने कुछ सीखा जरूर होगा। और अगर आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है, चाहिए, तो आपसे इतना ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या हमारे यूनिक ग्रुप के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन करके कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। वहां पे पूरा पढ़ाया जाएगा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग डिटेल में बताऊंगा। तो होपफुली ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि और भी इस तरह के छोटे वीडियो आपके लिए जानकारी प्रद वीडियो में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार एंड शुक्रिया।